परीक्षा सेंटर 8081 फोन संख्या है 8081 सावित्री देवी प्रशिक्षण संस्थान करनी चौक उद्राम शहर बीकानेर में। यहाँ पे कंप्यूटर निदेशक की भर्ती हुई, भर्ती में फर्स्ट पेपर में रूम नंबर 28 में बच्चा प्रेजेंट था, जबकि पेपर सेकंड में बच्चा क्या है अनुपस्थित था। उसका जब 28 नंबर में जब पेपर वितरण किए जा रहे थे तब लिफाफा क्या था फटा हुआ था, तो जब बच्चों ने क्या है कि 28 नंबर रूम के बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लिफाफा फटा। अरे जो बच्चे प्रेजेंट अब्सेंट है वो प्रेजेंट अब्सेंट, मैं कह रहा हूँ 2:50 में सूचना गई। आप अब बात कर रहे हो 2:50 में बच्चों की सूचना गई प्रेजेंट अब्सेंट की, अब प्रेजेंट अब्सेंट नहीं कर सकते हम लोग। नहीं तो हम ये 2:50 में गई जो घटनाक्रम हुआ, आप तो कह रहे हो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, कैमरा बंद था चालू था, आपका कहना ये था। मैं कुछ नहीं, आपको नहीं पता, हमें पता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। 121 सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उन 121 कर्मचारियों की मैं नौकरी खतरे में डाल के, पुलिस वाले अलग लगे उनकी खतरे में डाल के, इतना बवाल सर, इतना बवाल की बात नहीं, मेरा इतना इशारा लगे हुए हैं। आपने रिपोर्ट की है सारी चीज दिखाई, और आपकी जो सूचना है हमने डी ऑफिस भेज दी, डब्बा पूरा पैक था, बीच में से कुछ पेपर में 2-3 इंची फटे हुए थे, बच्चों का ये ऑब्जेक्शन है, उन्होंने सारे फटे हुए, तो जो रिकॉर्डिंग आ जाएगा सर उसमें ओएमआर थी या नहीं, सर मैं क्या कह रहा हूं ओएमआर सीट नहीं थी, पूरा पेपर ही खुला हुआ था सर, एक प्रश्न ओएमआर थी या नहीं थी, बिल्कुल थी उसमें, बिल्कुल थी, कैसे नहीं थी, आपने कहने से होता है कि जब प्रेजेंट अब्सेंट की सूचना गई 2:50 पे, कोई नहीं देख दिखा लेंगे, देख लिया अपने आप ही, आपके पास प्रेजेंट अब्सेंट की सूचना है ना, कोई पागल होगा जो 125 आदमियों के जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं एक आदमी को नौकरी लगा, इतना बड़ा खतरा कोई ले सकता है? तू भी मन ना सीखा, देखो अरे वराम तू भी मन ना सीखा, जो मैं कह रहा हूँ एक भी मन सीखा, देखो साहब मैं परेशान हो गया, माने बहुत तैयारी करा हूँ बारी बारी, अधिकारी जो चीज है वो ये माने तो की अधिकारी कौन ही मान दो पेपर देने को अधिकार कौन था, अरे मारे तैयारी करता है दौड़ा आ रहा है ले लो बस बात अगले आदमी सारी बात है, प्रेजेंट अब्सेंट की सूचना मैं फिर कह रहा हूँ आपको, 2:30 पेपर स्टार्ट हुआ, 2:50 तक प्रेजेंट अब्सेंट की सूचना जा चुकी है, 28 नंबर रूम का आपका विवाद, 28 नंबर रूम के अंदर कितने बच्चे अब्सेंट है उसकी सूचना आपको भी अवेलेबल करवाएंगे, प्रशासन को अवेलेबल करवा दी हमने, ठीक है ठीक है, क्या रह गया अब आप तो कुछ ही कह दो, नहीं फिर बात तो जा रहा, हमने तो केवल सीएस से इतने कहा था आपने सूचना दी उसकी कॉपी दे दो, अरे जिद करने से कोई मतलब नहीं, अगले आदमी ने सारी बात बता दी गुरु जी, अब इस बात से कोई मतलब, जब हम ये कह रहे हैं 2:30 आपकी एंट्री बंद, वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं और क्या चाहिए अपने, एक सेकंड वीडियो उपलब्ध कराने का, फिर रिकॉर्डिंग में सुन लो, वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रशासन से पूछेंगे, प्रेजेंट अब्सेंट उसमें कितने आपने लिख दिया उसकी सूची प्रशासन से पूछ के आपको अवेलेबल करवा देंगे, आप लोग वेट करो आगे से, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आप तो कह दोगे ओमर सीट अवेलेबल करवा दो, हम नहीं करवा सकते प्रशासन से, तेरे कहने से नहीं होगा भाई, नहीं मांग रहे।